अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं दोनों वे में। अब आपको गॉस लॉ पता नहीं है तो नॉर्मल वे में कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैपिटल मास एम का एक स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस है आर और आउटर रेडियस है टू आर। तो मतलब इस आर के अंदर कोई भी मास नहीं है, तो ये जो इनर स्फीयर है ऑफ रेडियस आर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी मास नहीं है। जो कैपिटल मास है, कैपिटल मास एम है, वो किस में? इस आर और टू आर के अंदर, ठीक है। अब मुझे पूछा हुआ है फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी वन, पॉइंट पी टू एंड पॉइंट पी थ्री, विच आर द डिस्टेंसेज आर बाई टू, थ्री आर बाई टू एंड थ्री आर रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बताओ यहाँ पे सबसे ईजी कैलकुलेशन कहाँ पे होगा, मतलब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है तो सबसे ईजी होगा पॉइंट पी वन पे। अब पॉइंट पी वन पे, अब ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी वन विच इज लेस देन वेयर दिस वेयर द डिस्टेंस आर इज लेस देन द इनर रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? आर बाई टू। अब यहाँ पे मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? यहाँ पे कोई मास है इसके अंदर? नहीं है। जहाँ पे मास नहीं है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, राइट। अब इवन गॉस लॉ लगाते हैं तो गॉस लॉ क्या बोला था मैंने? गॉस लॉ बोला था वन बाय फोर पाई जी ग्रेविटेशनल फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स था वो था ग्रेविटेशनल फ्लक्स इज इक्वल टू मास इनक्लोज्ड। अब यहाँ पे कोई भी मास इनक्लोज नहीं है जब मैं यहाँ पे एक गॉसियन स्फीयर बनाता हूँ। तो ये गॉसियन स्फीयर बनाया मैंने रेडियस आर बाई टू का, तो इसके अंदर कोई भी मास नहीं है, तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। तो ग्रेविटेशन फील्ड एट पॉइंट पी वन इज जीरो। अब उसके बाद आता है पॉइंट पी थ्री। अब पी थ्री जो है वो पॉइंट बेसिकली स्फीयर के बाहर है, तो द आर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द आउटर रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज टू आर। अब यहाँ पे फील्ड क्या होगा? अब यहाँ पे फील्ड के लिए आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा मास इट बिहेव्स एज व्हाट? अब इसको नॉर्मल वे में आपको सॉल्व करना है तो ये पूरा का पूरा मास बिहेव्स एज इट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये पूरा मास कितना था? एम। और ये डिस्टेंस कितना था? थ्री आर। तो आंसर क्या आने वाला है? तो फील्ड एट पॉइंट पी थ्री इज इक्वल टू कैपिटल जी टोटल मास एम डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर थ्री आर स्क्वायर। ये था मेरा डायरेक्ट आंसर। अब सेम चीज़ गॉस लॉ से भी कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली आप फ्लक्स क्या आएगा, तो गॉस लॉ में करने गए तो यहाँ पे फ्लक्स आएगा वन बाय फोर पाई जी इंटू फ्लक्स आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटू पूरा का पूरा यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना है स्फेरिकल, तो फोर पाई थ्री आर स्क्वायर। बेसिकली फोर पाई थ्री आर स्क्वायर क्या था बेस? तो फोर पाई थ्री आर स्क्वायर था इसका इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया इज इक्वल टू मास इनक्लोज विच इज कैपिटल एम। अब सेम चीज आपको मिला यहाँ पे, फोर फाइव फोर फाइव कट हो गया, तो आई विल गेट द सेम थिंग, राइट। ठीक है, वो तो डायरेक्टली मैंने कैलकुलेट कर दिया। ध्यान में रखो गॉस लॉ जो है वो मुझे बेसिक क्या देता है? वो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है कि जब स्फीयर के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरा का पूरा पॉइंट मास क्यू बनता है। ये एक्सप्लेनेशन देता है गॉस लॉ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे बताओ अब थर्ड, जो थर्ड केस है जहाँ पे मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पी टू पे निकालना, अब थर्ड केस मेरा यहाँ पे थर्ड केस पॉइंट पी टू पे जब मुझे निकालना है तो पी टू का केस थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इस केस में द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इन बिटवीन आर एंड टू आर, क्योंकि ये कितना है डिस्टेंस? थ्री आर बाई टू। अब क्या करोगे? अब बेसिकली यहाँ पे मुझे करना है, यहाँ पे मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है कुछ ऐसे। अब यहाँ पे मुझे कुछ गॉसियन सरफेस बनाना है कुछ ऐसे। तो बेसिकली ये जो पॉइंट पी टू पे मुझे जब ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो कौन सा मास काम में आएगा? सिर्फ इतना ही मास काम में आएगा। अब ये जो मास कैलकुलेट करना एक बड़ा टास्क है, तो बेसिकली लेट्स सी इसका मास की वैल्यू लेता हूँ मैं एम। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगा, तो फील्ड एट पॉइंट पी टू इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम डिवाइड बाय थ्री आर बाय टू का स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस स्क्वायर।
मतलब पूरा का पूरा मास हम लोग ने कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया, इस सेंटर पे। और आपको गॉस लॉ से भी यही एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसमें मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मास एम की वैल्यू। अब देखो मास एम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे बताओ पहले ये कैपिटल मास एम, ये जो कैपिटल मास एम है वो कितने वॉल्यूम के लिए, ये वॉल्यूम के लिए 4 by 3 pi 2r³ - r³। क्या मैंने सही लिखा यहाँ पे? बेसिकली कैपिटल एम मास कितने वॉल्यूम के लिए था, सिर्फ इतने वॉल्यूम के लिए था जो आर एंड टू आर के अंदर था। अब मुझे मास एम निकालना है जो कितने वॉल्यूम के अंदर है, 4 by 3 pi, इसका रेडियस कितना है, 3r² - r³। तो बेसिकली स्मॉल मास एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, स्मॉल एम की वैल्यू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड करो, तो 4 by 3 pi तो कट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो आर क्यूब कॉमन निकाला तो मुझे यहाँ पे आएगा 27/8 - 1 r³, और यहाँ पे आएगा 8 - 1 r³, राइट। अब ये चीज़ आ गई, अब यहाँ पे r³ भी कट हो गया, तो जो स्मॉल m, तो स्मॉल m की यहाँ पे वैल्यू आई 19m/30s। अब स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे आएगी 19m/56। अब ये स्मॉल m की वैल्यू यहाँ पे डालनी है तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा कैपिटल G 19m/56 ÷ 9r² / 4। तो मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया 19gm/126 r². तो ये हो गया मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P2। सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P2 इज इक्वल टू 19/126 gm/r². तो ये कैलकुलेशन थोड़ा मेरा टीडियस था, लेकिन जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P1 एंड P3 रिलेटिवली इजी था, क्योंकि P1 पे जीरो था, P3 पे एज इफ ए पूरा मास m सेंटर पे रखा हुआ है। लेकिन ये P2 का कैलकुलेट जब हम लोग ने किया तो जो ब्लू में यहाँ पे दिखाया हुआ इतना ही मास यहाँ पे सेंटर में हम लोग ने कॉन्सेंट्रेट किया, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ने कहाँ से लाया, गॉस लॉ से। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग गॉस लॉ से भी सॉल्व करते तो सेम आंसर आएगा। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा।